पाकिस्तान के म्यांमार के साथ बढ़ती सैन्य साझेदारी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर मुद्दा बन सकता है। खबरों की माने तो म्यांमार बीते कुछ समय में पाकिस्तान के काफी नजदीक आया है। खासतौर पर म्यांमार के पाकिस्तान से खरीदे जाने वाले रक्षा उपकरण क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। इस बीच सूत्रों से जानकारी मिली है कि म्यांमार की सेना पाकिस्तान से 60 और 81 एमएम के मोर्टार, M79 ग्रेनेड लॉन्चर और भारी मशीन गन खरीदने की योजना बना रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, म्यांमार पाकिस्तान से हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें खरीदने पर भी विचार कर रहा है। बड़ी बात यह है कि म्यांमार यह हथियार पाकिस्तान से ऐसे वक्त पर खरीद रहा है जब उसके खुद के डिफेंस सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं होगा जब म्यांमार पाकिस्तान से रक्षा उपकरण खरीदेगा। इससे पहले 2018 में म्यांमार के सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान से 560 मिलियन अमेरिकी डॉलर में 16 JF-17 थंडर मल्टी रोल विमान खरीदे थे। इस विमान को पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीनी चेंगडू एयर स्पेस कॉरपोरेशन द्वारा सह विकसित किया गया है। जानकारी के मुताबिक पिछले साल सितंबर में एक ब्रिगेडियर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय पाकिस्तान रक्षा मंत्रालय के 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने म्यांमार के रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी और उस वक्त दोनों देशों के बीच में JF-17 ब्लॉक 3 विमान और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों की बिक्री पर चर्चा हुई थी। इस दौरान प्रौद्योगिकी, विमान मरम्मत और नौसेना के युद्ध पोतों पर भी बातचीत हुई। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ये अकेले कैसे कर पा रहा होगा, तो जवाब है कि पाकिस्तान ये अकेले नहीं कर रहा, चीन की मदद से कर रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि चीन के लिए कर रहा है। दरअसल चीन द्वारा चीनी मूल के उपकरणों के रखरखाव के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल बहुत पहले से हो रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं, चीन पाकिस्तान के रक्षा उद्योग को अपने रक्षा उपकरणों की बिक्री के लिए इस्तेमाल करता है। बता दें, म्यांमार में मौजूदा सत्ता परिवर्तन के लिए म्यांमार के लोग चीन को जिम्मेदार ठहराते हैं, जिसके कारण लोगों के मन में चीन के प्रति भारी गुस्सा देखने को मिलता है। हालांकि म्यांमार पर शासन करने वाली उसकी सेना ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि उसकी प्राथमिकता अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने की है, जिसके लिए वो ऐसी डील्स चीन और पाकिस्तान के साथ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।